ओपोनेंट की और उनके दो प्लेयर्स जस्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किस्मत अच्छी नजर नहीं आएगी यहाँ पर आर्कलेन की। वो आप इसको लिटा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए गॉडलाइक के शैडो सामने की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होता हुआ, लेकिन राइवलरी के एमवीपी ने शैडो को टेक डाउन कर दिया है इन रिटर्न। लेट्स सी क्लच गॉड बचाने आ गए राइवलरी एमवीपी को टेक डाउन। जबरदस्त असॉल्टर वो भी जल्द से जुड़े। मिस्ड दिस स्प्रे। इसी बीच गॉड लाइक शैडो ने राइवलरी के आर्यन को टेक डाउन कर दिया है। इससे बेहतर क्या रहेगा, बट फिलहाल के लिए चलिए फाइट की बात की जाए। टीम गॉड लाइक जो कुछ देर पहले ही फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आती है, बट सामने से अभी के लिए चैलेंज तो ऐसा लग रहा है मानो काफी मुश्किल सा यहाँ पर रहेगा। और फिलहाल के लिए कहीं मुश्किल में ज्यादा में तब्दील में जॉनाथन जो काफी देर से कवर दे रहे थे, अब वो शायद सैमिन देने वाले कुछ बहुत ज्यादा होने वाली है एट द मूवमेंट। गॉड लाइक के जॉनाथन भी सर्कल के अंदर मूवमेंट करते हुए सामने की तरफ खिलाड़ी है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ब्लू जोन का ब्लू जोन डैमेज बहुत ज्यादा दे रहा है एंड देयर वी गो। तो निंजा जो प्लेस है यहाँ पर काफी बेहतर अभी के लिए, लेकिन 8 बिट बीस्ट ये नहीं होना चाहिए था आपके पास। इतना बढ़िया पहाड़ी रिच था यहाँ पर, बट उनको अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से उनका नॉकआउट निकाला जाएगा। बट थोड़ा सा संभल के चले यहाँ पर शैडो, अभी आप शैडो को नॉकआउट ये कर सकते थे, बट चलती बगी से चले चलते चलते वो अपने आप को हील अप भी यहाँ पर साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीबीएस इसको हम काफी मिस कर रहे थे, और अभी के लिए वो डीबीएस एक्शन शायद हो सकता है इन्फिनिटी के उधर देखने को। हमें कमेंट क्यों अपनी सराउंडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए था जॉनाथन। चलिए उनको पता है कि बुलेट्स के बजाय अगर थ्रोबल से निकाला जाए तो बेहतर रहेगा, बट ये कहां से आया है स्पेक्टर का तो हो जाएगा, नोवा का पता नहीं। एटलस एंड आदि दो खिलाड़ी है, लेकिन अंदर जाते साथ ही प्रॉब्लम में डाला।